Hi, I am Babita. Welcome to my kitchen. आज मैंने मूली के सब्जी बनाऊंगी, तो मूली का राई के साथ एक सूखी सब्जी बनेगा। ये है 5 टीस्पून राई, ये 1.5 स्पून जीरा, लहसुन और मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हो, मैंने 3 लिया है। इसमें एक आलू डालेगा, मूली को राउंड राउंड काटेंगे इसमें, और ये जो चारों मिला के पीस लेंगे उसके साथ ये सब्जी बनेगा। उसके बाद गार्निशिंग के लिए धनिया रखा है और अभी मैं इनको पीसती हूँ मसाला। अभी मैंने मूली को काट लिया है गोल गोल करके, उसी के हिसाब से आलू को भी काट लिया है, मसाला पीस लिया। मैंने देखा उसको थोड़ा मसाला ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आधे मसाले रख दिया। अभी ये मसाला मैं यूज़ करूँगी, ये मसाला का पानी है। ये थोड़ा सा आपको 5 फुटन डालेंगे पहले चढ़ाने के टाइम, मस्टर्ड ऑयल में बनाऊँगी। छोटे चम्मच तेल में 3/4 स्पून डाल दो। एक साबुत मिर्च, अभी इसमें ये पेस्ट में थोड़ा सा पतला करके इसको इसमें डालना है। जब 5 फुटन थोड़ा सा ऐसे आवाज आ जाएगा, हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, और इसको सब्जी के हिसाब से नमक। इसको ज्यादा नहीं भूनते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे से इसे गर्म हो जाएगा, उसके बाद उसमें सब्जी ऐड करके फिर ढक दें। ये बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। अभी इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक ये पक जाए। कम आंच में अभी देखते हैं, लगता है ये पक गया। अभी मैं बंद कर देती हूँ। हाँ, ये मूली पक गया है, अभी हो गया है। वैसे पूरा मसाला पास पास होगा,